तो पागल है रही है डांगी वो उमा शांत हो जाइए देखिए जिनका घर का लाल गया हो उनके दर्द को वही समझ सकते हैं उमा चुप हो जाइए ओ बेटा आपका लड़का था संदीप मेरा ही बेटा होता कब गया था घर से घर ते तो जनका खन ले वो नरेश बेका के डीजो बजा के आयो मेरे बेटा गांव के गांव में रुआ के लिए वाने वहीं अच्छा वन नरेश के तो कुछ भी ना हुआ मेरे बेटा के कैसे बोले दी वन्ने नमस्कार मंगलवार की देर रात डीग जिले के कुम्हेर में एक घटना होती है जिसमें एक 20 वर्षीय संदीप जो है पिकअप चालक जिनकी जान चली जाती है। अब सवाल ये बड़े हैं इसमें कि पुलिस के ऊपर भी शक है, यहाँ बताया जा रहा है कि गो तस्कर हैं और गोरक्षक हैं, इन तीन लोगों पर जो है चिन्ह है कि किसने गोली मारी, और सबसे बड़ी बात तो ये कि क्या ज़रूरत पड़ी गोली लगाने की, गोली मारने की और गोली चलाने की, ऐसी नौबत क्यों आई। ये सारे सवालों का जवाब पुलिस दे पाएगी, उससे पहले उसके परिवार जो जिसका रो रो कर बुरा हाल है। अब आप सोच सकते हैं कि जिसका लाल गया हो 20 साल की उम्र है, लगभग 19-20 साल की उम्र है, और वो लाल जब घर का कमाने वाला इकलौता वो बेटा जब घर से चला गया हो तो घर वालों पर क्या बीतरी होगी। संदीप के एक उससे छोटी बहन है, एक उसका छोटा भाई है, घर का अकेला कमाने वाला था। लगभग एक महीना पहले उन्होंने एक पिकअप गाड़ी को खरीदा जो कि लोडिंग के काम के लिए खरीदा गया था। संदीप देर रात दो गोवंशों को लेकर जा रहा था, यानी कि वो आवारा थे और गांव में नुकसान कर रहे थे। इस वजह से संदीप और उनका एक दोस्त जो है नरेश ठाकुर, जो दोनों जा रहे थे वो दोनों साथ लेके गए, और लेकिन नरेश ठाकुर अभी पुलिस की हिरासत में है, पुलिस ना उसे मिलने दे रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहीं आके रुक जाता है, उससे पहले उसके परिवार से कुछ जानने की कोशिश करते हैं। मगर रो रो कर बुरा हाल है उनके परिवार वालों को, उनसे इस दुख में हम उनके साथ खड़े हैं, लेकिन बातें करते हैं कि क्या था। अम्मा क्या नाम है मेरा? मैं तो भाई बुआ हूँ। बुआ है, बुआ लगती है आप संदीप की। मैं तो भैया पागल है रही हूँ, मैं तो पागल है रही हूँ डांगी वो उमा शांत हो जाइए देखिए जिनका घर का लाल गया हो उनके दर्द को वही समझ सकते हैं। उमा चुप हो जाइए, उमा चुप हो जाओ। बेटा आपका लड़का था संदीप? मेरा ही बेटा होता। कब गया था घर से? घर ते तो जनका खन ले वो नरेश बेका के डीजो बजा के आयो मेरे बेटा गांव के गांव में रुआ के लिए वाने वहीं अच्छा वन नरेश के तो कुछ भी ना हुआ मेरे बेटा के कैसे बोले दी वन्ने अच्छा मेरे घर कुछ पता लगा अम्मा की क्या हुआ, किसने गोली मारी कुछ? अभी कोई पता ना चली मेरे की तो अच्छा नरेश ले गो मेरे बेका के जल डीजे बजा के आयो जब वा गाड़ी में घर तक भी ना आने दिया ने तो मेरा बेटा ले अपनी मम्मी ते तो बता दे मैं जान देती जब ना जान देती मेरा तो मैं मार दिया गोली थे ओ भगवान। संदीप पर कितने बहन भाई हैं? हम मेरे तो तीन बालक है, एक लाल है दो लाला है। कमाने वाला अकेला संदीप ही था? अबे तो मेरा भाई सियानो भाई हो तो छोटे छोटे। संदीप के पापा क्या करते हैं? चिनाई करे वे तो। अच्छा अकेला वही संदीप था जो घर चला रहा था अभी। तो संदीप की शादी हुई है? अभी ना वही शादी। अभी कुछ पता लगा कि कैसे है, क्या है, किसने मारा है, कुछ बताया गया हो? तो ना चली मेरो बेटा ही कैसे मर गो जो ले गो बाके कैसे कुछ ना हुयो बाके तो खराच भी ना आई मेरे कैसे मार दिया मेरा जीवा के। सरकार से क्या मांग अभी आप चाह रहे हैं? ओ भगवान बहुत इंसाफ चाहिए मुझे तो मेरो बेटा मारो वन्ने मेरा तो जीवा कैसे स्वाद दिया घर गोली तक को भी ना दिवा पाई मैं तो अपने
शांत रहिए, बेटा शांत रहिए भैया का ना। ओ बेटा मुझे इंसाफ चाहिए, ओ बेटा। नरेश मतलब कहाँ, गांव का ही रहने वाला है? गांव का ही रह, यहाँ थोड़े से पार पड़ोसी है। ऐसी ना पा तो ही मेरे बेटा बहका के ले जाएगा प्यार में, वाके क्यों ना हुआ कुछ भी, थाने में वो बयान ना तेरो कैसे ना बता रो, वाके खरा चुना आई मेरो ही मार दिया गोली ते। मेरो जीवाक तो अनसमझ बचाओ, अभी तो 2 महीना भी गाड़ी ना हुए लिए। गाड़ी कैसे ली थी? ये बुकिंग वाली गाड़ी लिए भाड़ो कर बेकू। किस्तों पे ली थी गाड़ी भी? किस्तन पे ही लई है हमने तो भैया। देखिए अभी आप थोड़ा शांत रहिए। परिवार उनकी माँ थी, क्या नाम है जी आपका? धर्मवती संदीप की माँ है। और मृतक की माँ से हमने बातचीत की, उन्होंने बताया कि उनके पास का एक लड़का है नरेश, जो अभी पुलिस कस्टडी में है, वो उनके साथ जाता है, वो उनको लेकर जाता है, गोवंशों को लेकर जाते हैं। एक पुलिस का बयान भी उसमें सामने आता है कि पुलिस FIR करवाती है, जिसमें लिखवाती है कि एक गो तस्कर जो है वो उनकी मुठभेड़ में जो है वो मारा जाता है, और गोली मारने के बाद वो फरार हो जाते हैं। उनका साथी जो है नरेश, वो गाड़ी से उतरता है और पुलिस को बताता है कि मेरे साथी संदीप को गोली लग गई। उनका छोटा भाई है, क्या नाम बाबू? अनिल। अनिल, कुछ पता है घर में कि क्या कैसे हुआ? किसी ने बताया घर परिवार वालों ने? सरपंच ने बताया। क्या बताया सरपंच ने? संदीप की गोली लग गई है। अनिल, ये अनिल है और जो कि मृतक संदीप का छोटा भाई है। परिवार का बस एक ही आशरा है कि कानून पर उनको भरोसा है कि हमको न्याय मिलेगा। अब देखना ये है, और सबसे बड़ा सवाल ये है कि तीन बातें इसमें सामने आ रही हैं कि आखिर किसने गोली चलाई। सबसे बड़ी बात तो ये कि गोली चलाने की ज़रूरत क्या पड़ी, और गोली चली भी तो किसने चलाई, क्यों चलाई, ये सारी बातें। भाई है मेरे साथ, क्या नाम? रामजीत। कहाँ से हैं? गाँव से हैं। गाँव से। संदीप का क्या लगते हैं? भैया लगते हैं, ताऊ को लगते हैं। क्या कुछ आपको अभी जानकारी मिली है, क्या आप लोगों को लग रहा है, किस पे शक है, क्या लग रहा है कि पुलिस कह रही है कि गो तस्करों ने मारी है, और लगातार परिवार की ओर से आप लोगों की ओर से कि पुलिस ने गोली चलाई है, पुलिस की गोली से मारे? अरे हमको तो ये, अगर संदीप को गौ तस्करों ने मारी, कभी तो बोलते हैं गौ तस्करों है ही नहीं है, पुलिस वाले बोलते हैं कभी कि हम तो गश्त पे, तो हमारे हाथ में 2 डंडे थे, कभी बोलते हैं हमने फायरिंग की है, तो कभी फायरिंग करते हैं, कभी डंडे हैं, तो जो होता है रात के समय पे गश्त पुलिस देगी तो डंडे लेके थोड़ी घूमेगी, डंडे ले घूमेगी का आप बताइए बिल्कुल। और जो दूसरा धनी है, जो उसके साथ ही है, वो उससे बातचीत करते हैं, कुछ घुमड़ा करता है, कभी किधर कहो कुछ छू कहो कुछ, तो उसको तो पूछो ना, उसको बातचीत करते वो सही नहीं जवाब देता है। लेने का लेने साथी नरेश है, मैं अगर कोई है तो वही गया है ना, लेके तो वही गया है। अच्छा, लेकर भी वही गया है? हाँ, लेके तो वही गया है ना, नरेश लेके घर से गया था उनको। हाँ, घर से नहीं लेके गया, वो डीजे बजा गया, उसको सामने से वहाँ से ले गया। अच्छा, हाँ। कुछ क्या कह रहे थे कि कहाँ से लेके गया था संदीप? जो संदीप है जो जो डीजे बजा करके आया हमारे गांव से, सोनगांव से गया था पुचावटी तरफ, बाहर की तरफ, तो वो बारह के आसपास आया गाँव, तो तब उन्होंने जो नरेश ने रुकवाया उसको वहाँ पर अपने घर पर रुकवा करके, तब उसमें गाय लद करके ले गया वो नरेश, उसके साथ में ले गया नरेश ले गया उनको। गाय कहाँ से लेके गए? गाय ले गएगा सोनगांव से। सोनगांव से, और कहाँ लेके जा रहे थे वे? ये नहीं मालूम है उनको, तो संदीप को भी नहीं मालूम था, नया बच्चा है वो, इसलिए उसको मालूम नहीं थी कि नरेश कहाँ पर ले जा रहा है मुझको। अच्छा, संदीप के साथ जो नरेश था वो करते क्या है? वो खेती बाड़ी करता है। अच्छा, नरेश खेती बाड़ी करता है। नरेश के परिवार वालों ने कुछ बताया हो? कुछ नहीं बताया किसी के आप लोगों के परिवार के किसी के बात नहीं किसी ने कुछ नहीं। पुलिस ने आपको नरेश से बात करने नहीं दिया? हाँ, एक बार बात करने दी जो हमारे बुजुर्गों से, बस बुजुर्गों से। तब जो डेड बॉडी के लेने के लिए गए, तब डेड बॉडी आपने कर दी थी? हाँ, कल अंतिम संस्कार हो गया।
अच्छा, पुलिस की ओर से या फिर किसी भी मंत्री या कोई प्रशासन की ओर से आपको घर आया हो, कुछ आश्वासन दिया हो क्या? कुछ किसी ने नहीं दिया हमारे लिए, कुछ सरकार ने कुछ भी कुछ नहीं किया हमारे साथ में, नहीं तो पुलिस ने किया है ना कुछ प्रशासन ने किया है, हमारे साथ में कोई नहीं है। आपको क्या लगता है, कोई एक्सीडेंट है या फिर ये कोई साजिश है? गोली का है। देखो ये हमको पक्का नहीं मालूम पड़ रहा है अभी कि क्या है इसमें, क्या राज निकलेगा, लग क्या रहा है आप लोगों को, क्या अभी सामने आ रहे हैं कुछ बातें? मर्डर केस, देखो ये मर्डर केस है, इसमें कुछ पता नहीं चल रहा है, पता चल जाएगा तो तब तुम जान जाएंगे, अब हम भी जान जाएंगे। ये तो इंक्वायरी खुद पुलिस इंक्वायरी की बैठेगी, तब मालूम पड़ेगी ना। आप लोग क्या चाहते हैं अभी? हम सब न्याय चाहते हैं बस, हम कुछ नहीं, जो दोषी हो जो दोषी है बस ये चाहते हैं हम तो। बिल्कुल, सभी अब इंसाफ के उसमें बैठे हैं, न्याय के लिए उम्मीदें लगाए हुए हैं। पुलिस प्रशासन है या फिर गोतस्कर हैं या गोरक्षक हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि जब गाड़ी निकली तो गाड़ी के पीछे दो गोरक्षक, दो बाइकों पर गोरक्षक भी थे, उसके साथ बताया जा रहा है कि दो बाइकों पर गोरक्षक भी थे जो उन गाड़ियों को पीछा कर रहे थे बाइकों से। उसके बाद पुलिस यहाँ इस मामले में मैन ये है कि पुलिस को जो उनका साथी नरेश है वो उतर के बताता है कि मेरे साथी को गोली लग गई है। अब देखना यह है कि जो पुलिस ने एफआईआर करवाई है उसमें ये मामला इस तरह का निकल के आ रहा है। परिवार का लगातार ये आरोप है कि जो संदीप है उसको गोली जो लगी वो पुलिस की लगी है। अब जब पोस्टमार्टम होगा उसमें जो रिपोर्ट आएंगी वो सारी बातें साबित करेंगी आखिर ये गोली है किसकी। अगर ये पुलिस की गोली है तो पुलिस ने गोली क्यों चलाई और आखिर चलाई तो क्या ज़रूरत पड़ी? अब आप देखिए कि अपराध कहाँ पर है देश में, और बात करें राजस्थान स्टेट की तो कहाँ यहाँ पर अपराध मुक्त है, कैसे अपराध मुक्त है? अगर कहते हैं कि भरतपुर को अपराध मुक्त मनाया गया तो कहाँ बनाया गया है, कहाँ जब गोलियों की ज़रूरत पड़ रही है? तो इसमें आप सोच सकते हैं कि बड़ा सवाल यहाँ पुलिस पर ही है। आखिर अपराधी अगर मान लेते हैं कि गोतस्कर है, उन्होंने गोली चलाई है और संदीप को उनकी गोली लगी है, तो फिर क्या पुलिस उनकी रक्षा नहीं कर सकती? क्या ज़रूरत है, क्या पुलिस इतना अपने आप को वो नहीं कर पा रही है कि जो गोतस्कर जो है गोली चला रहे हैं सरेआम? या फिर तीसरा एंगल इसमें यह देखा जा रहा है कि जो उसके पीछे बताया जा रहा है कि गोरक्षक भी थे, या गोरक्षक जो हैं उन्होंने गोली चलाई? और आज बात ये है कि गोरक्षक यानी कि जो संदीप था और उनका साथी नरेश था वो गांव को एक दूसरे गौशाला छोड़ने जा रहा था या फिर बाहर छोड़ने जा रहा था, आज वही गोरक्षकों की जान ले ली गई है। अब समझ में ये नहीं बैठ पा रहा, अब ये तो साफ तभी हो पाएगा जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएंगी और इसमें परिवार जो है वो न्याय की गुहार में है और वो उम्मीद करता है कि प्रशासन से कि इसमें न्याय मिलेगा। वहीं एक ट्वीट होने के बाद उसको डिलीट करना, पुलिस का एक ट्वीट होता है, आईजी राहुल प्रकाश जो है उनका एक ट्वीट किया जाता है उसको डिलीट कर दिया जाता है, भास्कर में ऐसी खबरें हैं, तो उसके बाद कहीं ना कहीं सब पुलिस की ओर चला जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें ये हैं कि अब सिर्फ और सिर्फ पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ही बता पाएगी कि आखिर क्या है। और घर वालों ने उसको कस्टडी में यानी कि उन्होंने कहा है कि कोर्ट की तरफ से आए और तब ये पोस्टमार्टम जो है तब हो, लेकिन कल पोस्टमार्टम हो चुका है और उसका शरीर का अंतिम संस्कार कल कर दिया गया। लगातार आप हमारे साथ देखते रहें, कैमरा पर्सन के साथ मैं आपका अपना जी कोहली, डीटीवी न्यूज़ से, धन्यवाद।